आज बन रहा है छत पे खाना। हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। हाँ, पिकनिक टाइप का है, छोटा मोटा। हाँ, इधर बन रहा है खाना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकास। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे। तो मिस्टर भगत अभी ठीक है ना, लेकिन वही सर्दी को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म। बोलिए कुछ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर्दी होने से तो बहुत अजीब लगता है। और मैं नाश्ता बनाकर आई हूँ। मैंने बनाया आज रोटी फूल गोभी की सब्जी। और ये नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं, ये बाद में आके नाश्ता करेंगे। पहले दुकान खोलने जाएंगे, तब आकर नाश्ता करेंगे। तो आप लोग से मैं फिर थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। तो आज हो रहा है बहुत बारिश की, देख सकते हैं। हमारा सारा कपड़ा भींग गया है क्योंकि हम लोग नीचे थे और पता ही चला बारिश कब स्टार्ट हो गया। सब भींग गया सारा कपड़ा। और मम्मी यहाँ पे चूल्हा से चाय निकाल रही है क्योंकि उस दिन पास्ता बना था तो फिर निकाला नहीं गया था। अभी मम्मी इसको लिपाई करेगी। तो आज हम लोग अपने छत पे खाना बनाएंगे, छोटा सा पिकनिक करेंगे ऐसे, क्योंकि आज बारिश भी हो रहा है और मौसम बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं आज धूप नहीं है। तो ऐसे भी लकड़ी बहुत सारा था तो वो भी ख़त्म करना है, तो इसीलिए आज हम लोग छत पे खाना बनाएंगे। और यहाँ पे सारा सामान भी आ गया है। सब्जी वब्जी कटेगा और इसके बाद बनेगा दाल चावल, जो बनेगा दिखा दूँगी आप लोगों को। तो हमारे ब्लॉग बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज बनाना है भिंडी का भुजिया, दाल चावल और कद्दू का सब्जी। तो ये है भिंडी, तो भिंडी को मैं यहाँ पर धो लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मम्मी छिल रही है कद्दू और मैं काटूंगी भिंडी, तो भिंडी का भुजिया है। और सावन चल रहा है तो इसलिए हरा भरा सब्जी, दाल चावल सब्जी यही सब बनेगा। और मम्मी अभी बना रही है भिंडी, भिंडी का भुजिया, भिंडी का भुजिया। और इधर धोया जा रहा है कद्दू। आज बन रहा है छत पे खाना। हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। हाँ, पिकनिक टाइप का है, छोटा मोटा। हाँ, इधर बन रहा है खाना। हे गाइस, तो बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, नीचे खाना ही बन रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है आज। और ऐसा बारिश होगा कि आप लोगों को दिखेगा नहीं, ऐसा बारिश हो रहा है। और हमारा छत का व्यू पूरा धुआं धुआं, एकदम ऐसा लग रहा है कि फॉग है। इस साइड भी है पूरा, आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है बारिश, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। ये भींग रहे हैं, इनका तबीयत खराब है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नीचे, चलिए चलिए चलिए। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे मम्मी बनाई है कद्दू का सब्जी, लौकी का सब्जी, और हमारा भिंडी का भुजिया भी बन चुका है। भिंडी का भुजिया, और अभी मैं दाल को फ्राई करूंगी चटनी बनाने के लिए। तेल हो रहा है गरम।
तो अब यहाँ पे दाल फ्राई हो चुका है दाल पीसने के लिए, क्योंकि इसका चटनी बनेगा। और अब मैं पापड़ को फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ कर चुकी हूँ और फिर करूँगी। चावल यहाँ पे सारा खाना बन गया है, चावल बन रहा है और बारिश अभी भी हो रहा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। तो मिस रीति ने आज बनाया है, मम्मी और मिस रीति दोनों मिलके आज बनाया है चूल्हा में चावल। चावल नहीं और ये चावल है, ये अरवा चावल है। हाँ। देखिए ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है, पेट ये हो जाता है। हम लोग पिकनिक ऊपर बनाए लेकिन खाना खा रहे, क्योंकि इतना तेज बारिश हो रहा है ऊपर, क्या बताऊं। अब है अरवा का चावल, अरवा चावल और ये कद्दू का सब्जी, सब्जी की चोखा, कद्दू का सब्जी है। ठीक है, इतने बस 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 ठीक। और क्या है, भिंडी का भजिया, भिंडी का भजिया थोड़ा सा भजिया पता है हमको, जिसका हमको ये अच्छा नहीं लगता है। मिर्ची, मिर्ची और बना है, और दाल का चटनी। हाँ, कौन दाल? सलाद, और दाल का चटनी, और ये सैलेड। नहीं, आपको ज्यादा खाना पड़ेगा। कहाँ है दे रहे हैं? ये अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। और दाल, दाल किधर है? दाल हम नीचे बना लिए थे, क्योंकि कुकर हमारा चूल्हा जो है ना उसका मुंह बड़ा है, कुकर उसका घुस जाता है। और यह दाल गर्म हो रहा है, अभी हो गया है। ये का हाथ देखिए, कालिक लग गई, ये जो है ना इसमें पूरा काला लगा हुआ है नीचे में, इस वजह से इनका हाथ काला हो गया। अभी एक चीज कमाल देखिए, मत कीजिए कुछ, मत कीजिए, अभी खाना खाने का टाइम है ना। तुम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम ही कर, देखिए मैं आपसे ज्यादा। हाँ तो ठीक है, चलेगा, मुझे मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं रुकिए, बोल रहे नाम नहीं की चम्मच नहीं मत कीजिए ना, जब बुक तो पूछा जाएगा मत कीजिए प्लीज। टीका छोटा सा, फिर गाल में पोंछ देंगे, बता रहे हैं। टीका नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ आपको नहीं समझ आ रहा है, बोल रहा है नहीं लगाएंगे टीका, हम टीशर्ट गंदा कर देंगे, बता देंगे। ए लड़की, मेरा ये खाता निकल चुका है, मेरा हाथ नया कालिक लग गया है, देखिए और थोड़ा लगा दिया, अच्छा लगेगा। हो गया हमारा आज का लंच प्योर वाइट शुद्ध घर का देसी खाना। फेस देखिए इनका, थोड़ा सा कालिक लग गया, कैसे उड़ रहे हैं हवा में, तुरंत आ गया धोने के लिए। एकदम आप नाखून से लगा, देख कपड़ा जैसी करनी वैसी भरनी, तो जोर से लगा नाखून में, यहाँ पे मेरा खून निकल रहा है, सही में खून निकल रहा है। धो देते हैं, मोबाइल तो मत धो दीजिएगा, बस बस यही लगा है, आप धो देते कोई काम का नहीं है। और ये दिखाने भूल गए थे, ये छाके हैं, तिलौरी। हमारा आज का खाना, एंजॉय। कालिक लगाने नहीं दिए ना, बताएंगे आपको बाद में। चलिए, हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी, और अंधेरा अभी तक तो हुआ नहीं है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है अपने रात का डिनर, उसके लिए भी सोचना पड़ता है, हर लेडीज़ का यही है, सुबह उठो तो क्या बनाओ, शाम को क्या बनाओ, लंच में क्या बनाओ, क्या बताऊँ। तो अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन है, तो आलू का ही सब्जी बनाऊँगी कुछ, और पूड़ी बनाऊँगी, आलू का सब्जी और पूड़ी, तो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा।
तो अभी स्टार्ट करती हूँ, और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर अब कल मिलेंगे आप लोगों के साथ। ये ब्लॉग इंजॉय कीजिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए बाय।